6 जनवरी को विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल एक बड़े स्तर पर इवेंट का आयोजन करने जा रही है। इस इवेंट में बच्चों के साथ उनके माता पिता, स्कूल के स्टाफ के साथ पुराने खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में संतोलिया, सांप सीढ़ी, लूडो, कबड्डी, खो खो आदि खेलों का आयोजन होगा। इन खेलों के पीछे विद्यालय का मकसद यह है कि आजकल के जमाने के बच्चे लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर समय ज्यादा बिताते हैं, जिससे बच्चों के आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल में पुराने समय के खेलों का आयोजन करने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों के हेल्थ अवेयरनेस हो और उनकी IQ शक्ति भी बढ़े। विद्याश्रम पब्लिक स्कूल 6 तारीख जनवरी 2019 रविवार को एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है, जिसका नाम है विद्याश्रम हेल्थ एंड वेलनेस डे। अब इस दिन हम माता पिता बच्चों के साथ खूब सारे पुराने जमानों के गेम्स और खेल कूद को वापस साथ में मिलकर खेलने जाने वाले हैं। अब इस गेम्स के माध्यम से इस दिन का उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं बच्चे जो स्क्रीन टाइम, मोबाइल, कंप्यूटर इनमें उलझे हुए हैं, उसको थोड़ा कम कर दें धीरे धीरे, और माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताएं। अब वो कैसे बिताएं? वो गेम्स को, पुराने ज़माने के जितने भी हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी गेम्स खेला करते थे, सांप सीढ़ी है, लूडो है, चेस है, ये तो हो गया इंडोर। आउटडोर में भी जैसे गड्ढे हैं, संतोलिया है, ये सारे गेम्स, खो खो है, कबड्डी, ये सारे गेम्स हम वापस एक बड़े तौर पे एक बड़े इवेंट के माध्यम से ला रहे हैं। अच्छा, मेन मोटो ये है कि बच्चे हमेशा अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं मोबाइल और टीवी और गेम्स, कंप्यूटर की गेम्स खेलकर। अब उसमें बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मानसिक विकास नहीं होता, खेल कूद से भी बहुत ज़्यादा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, गणितज्ञ विकास, ये सब बहुत होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब मम्मी पापा अपना अमूल्य समय बच्चे के साथ बैठकर मोबाइल टीवी में वेस्ट कर रहे हैं, वो ना करके आज जो सीखेंगे 6 तारीख को, आप जो सीखेंगे वहाँ पे, उसको आप घर पे भी दोहराएं, घर पे खेलें, टाइम अपना अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। बाकी मैं इस जो इवेंट होने जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस डे, उसके बारे में बताया, उसका वही मेन उद्देश्य है कि हम हमारे आज के बच्चों को इन गैजेट्स से, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन चीज़ों से हटाकर पुराने जो गेम होते थे जिससे उनका विकास अधिक होता था, इन चीज़ों से इनका विकास नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें एक तरफ फोकस करती है, जिससे जो उसको लेटर स्टेज में उसको नुकसान देती है, और उन गेम, दूसरे गेम खेलने से उनका चारों तरफ से उनका विकास होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस दिन सब लोग पधारें और हम बच्चों के साथ में ये गेम खेलें, और बच्चे इसमें इतना इंटरेस्ट लें ताकि वो आगे भी जाके, घर जाके भी वो वही गेम करना शुरू करें। यही हमारी